बैक टू माई चैनल। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइबिंग माई चैनल। सो गाइस आईबीएम की तरफ से एक बहुत ही बड़ी हायरिंग अपडेट आ रही है जो कि आप लोगों ने बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। तो गाइस अगर आप भी बीटेक किए हो तो आप लोगों के लिए एक वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप भी किसी जॉब की तलाश में हैं, अगर आपको कोई कंपनी में हायरिंग नहीं आ रही है, अगर आप किसी कंपनी के हायरिंग की तलाश में हैं, तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं हर चीज़ में बताने वाला हूँ कि आपको जो ये आईबीएम ने एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर की जो वैकेंसी लगाई है उसमें आपको क्या क्या चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हर चीज़ आपको इस वीडियो में बताने वाला है। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको अच्छे से हर चीज़ पता चल सके। तो चलिए गाइस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। सो गाइज आईबीएम ने आप लोगों के लिए एक सिस्टम एसोसिएट इंजीनियर की वैकेंसी लेकर आई है जो कि आपके डिसिग्नेशन सिस्टम एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर रहने वाला है। और गाइज ये जो है आपका मल्टीपल लोकेशन के लिए आया हुआ है, ये किसी एक लोकेशन के लिए नहीं है, ये मल्टीपल लोकेशन के लिए है। आप जाके आईबीएम की जो वेबसाइट है वहाँ भी आप देख सकते हैं। और मैं आपको ग्रुप में आपको जो भी डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से भी आप डायरेक्ट जा सकते हैं। तो गाइज आपको जो इनकी डिटेल्स क्या होने वाली है इसमें आपको हर चीज़ बताने वाला हूँ। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे देखिए जो की जॉब डिटेल्स है इसमें आपका रोल जो होने वाला है एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर का होने वाला है, लोकेशन आपका मल्टीपल लोकेशन रहेगा, और कैटेगरी जो होने वाली है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की होने वाली है। तो गाइज इस चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप है वो फुल टाइम होने वाली है, तो फुल टाइम होगी। और ट्रेवल रिक्वायर्ड में आपका कोई भी ट्रेवल की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप को इसमें कोई इसकी दिक्कत नहीं है। जो कॉन्ट्रैक्ट टाइप होगी आपकी रेगुलर होने वाली है। आप कंपनी के बारे में मैंने बताया दिया है, आईबीएम इंडिया लिमिटेड, इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो गाइस इसमें आप देख सकते हैं कि इनका जो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या होने वाली है एज एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर। तो आप ये देख सकते हैं कि क्या बोल रहा है कि यू विल बी फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल टीम ऑब्जेक्टिव एंड इन्वॉल्व योरसेल्फ इन द डिप्लॉयमेंट ऑफ प्रोफेशनल इफेक्टिवनेस। इन द रोल यू विल डिजाइन एप्लीकेशन, राइट कोड, टेस्ट, डिबग एंड मेंटेन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन अक्रॉस वेरियस प्लेटफॉर्म्स एंड टेक्नोलॉजी। तो गाइज आपके रोल में ये चीज होने वाली है। और क्या क्या आपके टेक्निकल और प्रोफेशनल एक्सपर्टीज जो भी रिक्वायर्ड है ये चीज क्या क्या होने वाली है आप लोग देख सकते हैं नीचे। इनको चाहिए कि आपका प्रोग्रामिंग जो होना चाहिए वो प्रेफरेबली जावा में भी होना चाहिए, पाइथन या नोड.js, ये इनकी रिक्वायरमेंट है प्रोग्रामिंग में। और इसके अलावा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये चीज़ें सारे चीज़ आपको देखने को मिल जाएंगे आईबीएम के वेबसाइट पर, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। इसके अलावा उनको एक प्रीफर्ड टेक्निकल प्रोफेशनल एक्सपर्टीज में उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग और कम्युनिकेशन आपकी बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि अगर किसी भी कंपनी की हायरिंग जाते हैं तो कम्युनिकेशन तो होना ही होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एलिमेंट भी आपको अच्छे से आना चाहिए। तो ये चीजें जो है आईबीएम की रिक्वायरमेंट है जो कि अगर आपका जो भी क्राइटेरिया मीट करता है तो आप लोग बिल्कुल भी पीछे ना हटे, इसको जाकर तुरंत अप्लाई कर दे, क्योंकि आजकल बहुत ही लिमिटेड कंपनियां ही आ रही हैं हायरिंग के लिए। तो आप यहाँ जाकर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही अप्लाई के लिए ओपन करेंगे तो आपको हर चीज आईबीएम की वेबसाइट पे सब चीज देखने को आपको मिलेगा, आप वहां से जाके इसके बारे में आप अच्छे से देख सकते हैं। तो आगे हम उनके पेज पे आ गए हैं और यहाँ से अपना नाम करके अपलोड के फिल करके अपलोड रेज्यूमे जो भी आपके पास है उसको फिल करेंगे और यहाँ से ज्वाइन कर लेंगे। या तो आप कंटिन्यू अप्लाई करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे तो आप आगे का प्रोसेस पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या होने वाला है। तो आप यहाँ से भी आप फिल कर सकते हैं। देखिए ये जो भी चीज़ें हैं आपका जो रिक्वायर्ड एजुकेशन है वो बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। ये सारे चीज़ें आपको पता होना चाहिए। रीजन आपका रीजन भी इंडिया का ही है और स्टेट जो भी है आपका, ये सब आप देख लेंगे कि क्या क्या आपको मांगा जा रहा है, और यहाँ से आप फॉर्म फिल कर देंगे। तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे, या तो अगर आपके पास अकाउंट है तो डायरेक्ट लॉग इन करिए, अगर नहीं है तो आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो गाइस ये सब चीज़ें हैं तो यहाँ से ही आप देख सकते हैं। या तो अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट यहाँ से लिंक्डइन से भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, डेट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। तो